हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। टुडे आई ब्रिंग थर्ड वन वीडियो फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, 10th क्लास केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई हैव डिस्कस 30 क्वेश्चंस इन अर्लियर वीडियो एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन दिस वीडियो आई विल गिव यू links of first, second, third videos, so that if you did not see these kind of videos, you will see in future. And मैं आपको बता दूं कि मेरे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस बताएंगे, फिर हम आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl एडेड टू ग्रैन्यूलेटेड जिंक, मतलब ZN रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। तो जब ZN रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो ZN है ना Cl2 बनेगा और आपका H2 निकलेगा, ठीक है। इतना ये हमने अपना आइडिया लगा लिया। टेक्स इन अ टेस्ट ट्यूब द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी गई हैं। अच्छा, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब जो भी सही गलत जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से आपको सही गलत का अंतर बताना है, ठीक है। फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन है कि सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। द बी पॉइंट में लिखो द देखो द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ऑर्डर ऑफ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड, अरे भाई ऑर्डर ऑफ पंजेंट स्मेलिंग तो तब होगी जब Cl2 गैस निकलेगी, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फिर है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्विंग, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब जो आपकी H2 गैस यहाँ पर बनी है यही आपकी इवॉल्व होगी और इस H2 गैस को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप इसका डेटा निकाल सकते हो। कैसे क्या कर सकते हो, आप जलती हुई तीली इसके सामने लेके आओगे, ऊपर की ओर लेके आओगे तो पॉप साउंड से ये जलेगी, ठीक है। 32 में देखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है थ्रू लाइम वाटर से, है ना, तो ये देखते हैं कि क्या होगा। तो लाइम वाटर का मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, ये पास कर दें तो CaCO3 बनता है प्लस H2O बनता है, क्या बनता है CaCO3 प्लस H2O, ये बनता है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO, भाई वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO नहीं बनेगा, है ना। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये बात बिल्कुल सही है, क्यों मिल्की हो गया कि मैंने अभी केमिकल रिएक्शन बताई है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये आपकी रिएक्शन सदाबहार है, हमेशा आपको लर्न करनी है और समझनी है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्शन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं 33 की। ओके, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज टर्न बर्न इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है। तो पहले तो ये समझ लो कि 33 में जो आपका मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाएगा, तो बाद में बनेगा MgO, ठीक है, MgO, इसमें टू कंडीशन कर दूँ। तो ये जो MgO बन रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो याद रखना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसका कलर होता है वाइट, कैसा कलर होता है इसका वाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। देखो इतना एक्सप्लेनेशन बताने के बावजूद भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, मतलब कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। तो नंबर ए है बर्निंग ऑफ LPG,
मतलब एलपीजी को बर्न करोगे तब, ठीक है, या फिर डिजोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, NH4Cl को पानी में घोलोगे तब, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। फोर्थ वन है डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी इज विल बी इवॉल्व। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी तभी रिलीज होगी जब जब आप एलपीजी को जलाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ये पूछा गया है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड, ठीक है, और इससे बहुत गंदी बेकार की स्मेलिंग आने लगती है। तो क्या कैसे ये आपका ख़त्म होगा? वो कह रहे हैं एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, चलो ये बिल्कुल सही बात है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी सही बात है, फूड अवे फ्रॉम अ लाइट। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी ठीक है। तो मतलब ये हो गया ऑल ऑफ दीज रेंसिडिटी, फूड ख़राब ना हो उसके लिए हम नाइट्रोजन गैस यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, फूड को हम लाइट से दूर रखेंगे जिससे बैक्टीरिया वायरस पैदा ना हो। कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपना कमाल दिखाते हैं, वो ख़तरनाक हो जाते हैं। फिर है 36 द रिएक्शन ऑफ H2 गैस, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म अ वाटर। अब मान लीजिए आपकी H2 गैस है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और बना रहा है H2O, क्या बना रहा है H2O, ठीक है। तो जब H2O बन रही है तो इसमें ये देखना है कि होना क्या है। वो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये बिल्कुल सही बात है। रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी सही बात है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई एक्सोथर्मिक तो होगी कि हाइड्रोजन गैस उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन गैस की भी एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर H2O बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इसका जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस होगा, मतलब ये सब सबको फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? द रिएक्शन इन विच नो कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अलग अलग आयंस एक्सचेंज नहीं होते उस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो देखो 37 में द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म, अच्छा ठीक है, मतलब नहीं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन की बात हो रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन में डाल सकते हैं कि आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सही बात भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन ही होती है। वो कह रहे हैं ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इनटू कॉपर सेट, एक बीकर ले लो, यहाँ पे CuSO4 डाल दो और इसमें आयरन नेल डाल दो। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन Fe जब CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो FeSO4 बनेगा और CO बनेगा, क्या बनेगा? FeSO4 और CO, ठीक है। तो इसके केस में अगर हम देखें तो 38 जो आपका है उसका देखते हैं कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये गलत है, रिएक्शन तो होगी भाई। हाँ फिर वो करें द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ग्रीन चेंज टू ग्रीन, कलर ऑफ सॉल्यूशन ग्रीन हो जाए क्योंकि आयरन कलर होता है, आयरन का कलर होता है ग्रीन। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं 39 की। तो 39 में आपका एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड न्यू कंपाउंड वाई इज़ फॉर्म्ड। इसमें वाई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि 39 में कि एक्स इक्वल Fe है, वाई इक्वल Fe2O3 है, ये बात सही है। तो 39 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस पदार्थ का रिडक्शन होगा, क्या होगा? रिडक्शन,
वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देख लो किसका रिडक्शन हो रहा है, वो कह रहे हैं विच गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने वाले का रिडक्शन होता है क्या, ऑक्सीजन देने वाले का रिडक्शन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विच गिव्स हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं है। विच रिमूव ऑक्सीजन, ये भी कुछ नहीं है। रिमूव होना अलग बात है और गिव करना अलग बात है। ऑल ऑफ अबव, तो 40 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है चिल्ड्रन, इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। मैंने डिसाइड कर लिया 10-10 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप कम टाइम में देखें, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू। और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट 3 वीडियो को भी आप देख लें, जिससे आपका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।